हेलो एवरीवन, आज हम ये क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 14 है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. So find the distance traveled by the balloon during the interval. तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। डायग्राम आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो इस पोजीशन पे एक गर्ल है जिसकी हाइट गिवन है 1.2 मीटर। इसके हॉरिजॉन्टल में थोड़ी दूर पर एक बलून है। पहले यह बलून पॉइंट पी पोजीशन में है जिसका ग्राउंड से आपको एक लेंथ एक हाइट दी हुई है। उसकी हाइट है 88.2 मीटर। जब वो बलून इस पॉइंट पी पर है तब इस गर्ल की आई से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। थोड़ी देर बाद हवा के डायरेक्शन के कारण इस बलून का पोजीशन चेंज होकर पॉइंट पी से पॉइंट क्यू हो जाता है और एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होकर 60 डिग्री से चेंज होकर वो 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस बलून। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द लेंथ बिटवीन दिस पी एंड क्यू। हमें यहाँ पे पी क्यू की लेंथ फाइंड आउट करनी है। पी क्यू की लेंथ दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हमें एल एम की लेंथ फाइंड आउट करनी है बिकॉज एल एम की लेंथ पी क्यू की लेंथ के इक्वल है। सो हम यहाँ पे पहले गिवन टर्म्स लिख लेते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से ये हमारे पास पी से एल डैश की वैल्यू गिवन है विच इज 88.2 और क्यू एम डैश, ये दोनों सेम है। दैट मीन्स वो क्या है, बलून की हाइट है। तो दोनों क्यू एम डैश एंड पी एल डैश की वैल्यू है 88.2 मीटर। ओके, एंड यहाँ पे जो गर्ल्स खड़ी हुई है वहां पे देखो इसकी हाइट है 1.2 मीटर। तो हम क्या लिख सकते हैं, एल से एल डैश और एम एम डैश की वैल्यू गिवन है विच इज 1.2 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पी क्यू की लेंथ बोल सकते हो आप इसको या फिर बोल सकते हो कि एल एम की भी लेंथ बोल सकते हो। ये हम PQ, that means हमें LM की length find out करनी है, right? So, अब हम क्या करेंगे? पहले हम इस triangle OMQ consider करेंगे। क्यों हम ये triangle consider कर रहे हैं? Because हमें LM की length चाहिए है, right? हमें LM की length के लिए हमें इस पहले इस large triangle को consider करना पड़ेगा। अब हम क्या लिख सकते हैं, हमें यहाँ पे ये Q से M की value हमको given है, Q M dash की value given है और हमें ये वाली OM की value भी हमें हमें कैलकुलेट करनी है, लाइक एम एल एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास इस एंगल के रिस्पेक्ट में, एंगल 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम कंसीडर करते हैं तो हमारा क्यू एम क्या होगा, एक परपेंडिकुलर होगा एंड ओ एम क्या होगा, हमारा बेस होगा। ओके, और कौन सी ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमारे बेस एंड परपेंडिकुलर को डिफाइन करती है, वो होता है 10। तो हम यहाँ पे 10 कंसीडर करेंगे। तो इन ट्राइंगल ओ एम क्यू हम क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री इक्वल्स क्यू एम, ये हो जाएगा क्यू एम डिवाइडेड बाई ओ एम। अब हमें क्यू एम की लेंथ नहीं पता बट हमें क्यू एम डैश की लेंथ पता है, करेक्ट? तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम डैश की लेंथ के लिए, क्यू एम की लेंथ हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एम डैश माइनस, हम इसमें से ये एम एम डैश माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्यू एम आ जाएगा। तो ये एम एम डैश डिवाइडेड बाई ओ एम। सो हमें पता है क्यू एम डैश की वैल्यू क्या है, हमने पहले ही नोट कर लिया था विच इज 88.2 मीटर माइनस एम एम डैश की वैल्यू भी हमें पता है वो है 1.2 मीटर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ओ एम। अब 88.2 माइनस 1.2 क्या होगा, ये हमारे पास 87। सो ये हो जाएगा 87 डिवाइडेड बाय ओ एम। ओके, एंड 10 30 की वैल्यू क्या होती है, हम सबको पता है 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स 87 बाय ओएम। अब आपको यहाँ से क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करना होगा, हमें ओएम की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो जाएगा ओएम इक्वल्स टू 87√3। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। ओके, अब हमारे पास इस ओएम की वैल्यू आ गई 87√3। हमारे पास ये टोटल लेंथ आ गया 87√3। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हमें निकालना है, अगर हम ओ एम की वैल्यू से इस ओ एल को माइनस कर दे, इस ओ एल वाली लेंथ को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एल एम की वैल्यू आ जाएगी। यस, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए स्मॉल ट्राइंगल को कंसिडर करना पड़ेगा। इस ओ एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें
ये स्मॉल ट्राइंगल कंसिडर करेंगे, ट्राइंगल ओ एल पी। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी लेंथ पता है इस ट्राइंगल में, हमें फाइंड आउट करना है ओ एल की लेंथ और हमें पता है इस पी एल डैश की लेंथ पता है। तो अगेन हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, वो होता है हमारा टेन। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं इन ट्राइंगल ओ एल एम हम क्या लिखेंगे, पी एल डैश डिवाइडेड बाई ओ एल। ये क्या हो जाएगा, टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल्स पी एल डिवाइडेड बाई ओ एल। अब यहाँ पे देखिए आप इस डायग्राम में पी एल, तो हमें इस पी एल की लेंथ नहीं पता, बट हमें किसकी लेंथ पता है, पी एल डैश की लेंथ पता है, जो हमने पहले ही नोट किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ से पी एल की लेंथ के लिए पी एल डैश माइनस एल एल डैश कर सकते हैं, उसकी भी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो हम यही हम क्या लिखेंगे, हम पी एल को क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी एल इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिखते हैं पी एल डैश माइनस एल एल डैश डिवाइडेड बाई ओ एल। तो 1060 डिग्री क्या होता है हमारे पास, रूट थ्री। पी एल डैश की वैल्यू थी हमारे पास 88.2 एंड एल एल डैश की वैल्यू है 1.2 डिवाइडेड बाई ओ एल। अब हमारे पास यहाँ पे हमें क्रॉस वाइज मल्टीप्लीकेशन करना होगा, ये हो जाएगा रूट थ्री ओ एल इक्वल्स रूट थ्री इंटू ओ एल इक्वल से 88.2 माइनस 1.2 विच इज इक्वल 87। अब हमें ओ एल की लेंथ के लिए क्या करना है, 87 हमें से रूट थ्री डिवाइड हो जाएगा डिवाइडेड बाय रूट थ्री। ये आप इसे इक्वेशन नंबर टू दे सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ओ एम ओ एल की वैल्यू आ गई है, ओ एम दैट मीन्स हमारे पास कंप्लीट ये वाला डिस्टेंस है ओ एम 87 रूट थ्री। हमें निकालना है एल एम, राइट, एल एम और पी क्यू का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इस ओ एम से ओ एल माइनस कर देते हैं, ओ एल की वैल्यू है हमारे पास 87 बाई रूट थ्री। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओ एम माइनस ओ एल, ये होता है ओ एम माइनस ओ एल। अब हमें इक्वेशन वन से ओ एम की वैल्यू पता है विच इज 87 इंटू रूट थ्री एंड माइनस ओ एल की वैल्यू इक्वेशन टू से पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 87 बाय रूट थ्री। अब हम यहाँ से 87 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 87, रिमेनिंग पार्ट इज रूट थ्री माइनस वन अपॉन रूट थ्री। अब यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा 87, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन है ये, तो ये हो जाएगा एलसीएम रूट थ्री आएगा। अब मल्टीप्ली हम डिवाइड करेंगे, रूट थ्री बाई वन इज इक्वल्स टू रूट थ्री एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज थ्री माइनस ये हो जाएगा रूट थ्री बाई रूट थ्री इक्वल्स टू वन एंड वन इंटू वन इज वन। तो ये हमारा आंसर आएगा 87 इंटू 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, सो दिस इज 2 बाय रूट 3, ओके। तो 87 इंटू रूट 2 होता है 174, ये हो जाएगा 174 बाय रूट 3। अब जब भी डिनोमिनेटर में रूट का कोई पोर्शन होता है तो हमें क्या करना होता है, उसका हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में इसका मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो हम रूट 3 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विल गेट 174 इंटू रूट थ्री डिवाइडेड बाय थ्री। सो ये थ्री है, 174 थ्री से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 1 3 5 15 देन 2 4 3 8, ये क्या आया हमारा आंसर आया 58 इंटू रूट थ्री मीटर। तो हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है 58 रूट। सो आपको आंसर में लिखना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून इज इक्वल्स टू 58 इंटू रूट 3 मीटर।